इधर भारत ने अंतरिक्ष में एक और लंबी उड़ान भरी है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसेट 3 को लॉन्च किया है। कार्टोसेट 3 की लॉन्चिंग पीएसएलवी C-47 रॉकेट से की गई। इसे सफलतापूर्वक किया गया है और कहा जा रहा है कि सफलतापूर्वक इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। 3, 2, 1 अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का त्रिनेत्र आतंकिस्तान के खिलाफ एक्सरे प्लान। अब भारत की जासूसी आंख से सीमाओं की निगरानी। सीमा पर दुश्मन की कोई भी हरकत छिप नहीं पाएगी। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों ने कोई भी हरकत की और हिंदुस्तानी फौज को उसका पता लगेगा। जी हाँ, ये मुमकिन होगा कार्टोसेट 3 सैटेलाइट के ताकतवर कैमरे से। ठीक 9:28 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से पीएसएलवी C-47 रॉकेट को लॉन्च किया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी C-47 रॉकेट अपने साथ तीसरी पीढ़ी का कार्टोसेट 3 सैटेलाइट के साथ अमेरिका के 13 कमर्शियल सैटेलाइट्स भी लेकर गया है। कार्टोसेट को 509 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया गया है। कार्टोसेट 3 की खूबियां ऐसी हैं जो अमेरिका रूस जैसे देशों को भी मात देती हैं। कार्टोसेट 3 इज द इंडियन हाईएस्ट रेजोल्यूशन सिविलियन स्पेसक्राफ्ट। इट इज आल्सो a most complex and advanced earth observation satellite ISRO has built so far. भारत के अंतरिक्ष इतिहास में ये पहला साल होगा जब भारत ने पूरे साल ज्यादातर उपग्रह मिलिट्री, रक्षा और रणनीतिक अनुसंधान के लिए छोड़े हैं। इसी कड़ी में कार्टोसेट 3 सैटेलाइट समेत दो और सैटेलाइट्स जुड़ने वाले हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी देश को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तब भारतीय सेना, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की मदद से उनकी साजिश को पहले ही नाकाम कर दे। नवंबर को सुबह 9:28 पर इसरो ने कार्टोसेट 3 को लॉन्च किया। इसके बाद दिसंबर महीने में दो और सर्विलांस सैटेलाइट्स रीसेट 2BR1 और रीसेट 2BR2 को छोड़ा जाएगा। लेटेस्ट थर्ड जनरेशन का एक कार्टोसेट है। साथ में अगर इसकी आप ताकत को देखें तो वो इतनी ताकत है कि 509 किलोमीटर हाइट के ऊपर से भी ये देख सकता है। भारत के इन ब्रह्मास्त्र सैटेलाइट से न सिर्फ सीमाओं की निगरानी होगी बल्कि आतंकी ठिकानों का पता लगाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सैटेलाइट तकनीक के मामले में बहुत एडवांस हैं। आज लॉन्च हुआ कार्टोसेट सीरीज का ये 9वां सैटेलाइट। कार्टोसेट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 1 फीट से भी कम यानी 9.84 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीर ले सकेगा। यानी आपकी कलाई पर बंधी घड़ी पर दिख रहे सही समय की भी सटीक जानकारी देगा। कार्टोसेट 3 से अंतरिक्ष से जमीन पर 0.25 मीटर यानी 9.8, संभवतः अभी तक इतनी सटीकता वाला सैटेलाइट कैमरा किसी देश ने लॉन्च नहीं किया है। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी डिजिटल ग्लोब का GOI-1 सैटेलाइट 16.14 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीरें ले सकता है। वहीं इसी कंपनी का वर्ल्ड व्यू 2 उपग्रह 18.11 इंच की ऊंचाई की तस्वीरें ले सकता है। करीब 10 इंच के आकार का कोई स्क्वायर है या बॉक्स है, उसकी तस्वीर हमें स्पष्टता से मिल सकेगी। कोई भी चीज उससे जो बड़ी है वो तस्वीरें उतनी ज्यादा स्पष्ट होंगी। इसरो के मुताबिक कार्टोसेट 3 को पृथ्वी से 509 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया। कार्टोसेट 3 सैटेलाइट पीएसएलवी C-47 रॉकेट से छोड़ा गया। 6 स्ट्रैपॉन्स के साथ पीएसएलवी की ये 21वीं उड़ान रही, जबकि ये पीएसएलवी की 74वीं उड़ान थी। कार्टोसेट 3 के साथ अमेरिका के 13 दूसरे नैनो सैटेलाइट्स भी छोड़े गए हैं। इस सीरीज के उपग्रहों को सीमाओं की निगरानी और घुसपैठ रोकने के लिए 26/11 मुंबई हमले के बाद विकसित किया गया। इससे पहले रीसेट 2B सैटेलाइट 22 मई 2019 को छोड़ा गया था।
ये मैं समझता हूं कि एक इतनी बड़ी उपलब्धि है हमारी इसरो की कि अगर वो ऐसा कोई यंत्र बना सकते हैं और सैटेलाइट बना सकते हैं और वो देख सकता है तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत सिक्योर हो जाते हैं। पाकिस्तान और उसके आतंकी कैंपों पर नजर रखने के लिए ये मिशन देश की सबसे ताकतवर आंख होगी। ये सीमाओं पर नजर रखेगा। दुश्मन या आतंकियों ने कोई भी हिमाकत की तो इस आंख की मदद से हमारी सेना उन्हें घर में घुसकर सफाया भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।